तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 5% की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक करंट लेवल पर 66.60 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक के अंदर फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लूज कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस पॉइंट पर यानी 70 रुपीज पर, 70 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है जहां पर स्टॉक पहले भी इस प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद ऊपरी लेवल पर काफी ज्यादा करेक्शन आता हुआ नजर आया, जहां पर स्टॉक ने नीचे में 62 रुपीज तक के प्राइस को रिटेस्ट करता है। अब 62 रुपीज पर देखें तो स्टॉक में एक डबल बॉटम बन चुका है, जहां पर स्टॉक ने 2 बार सेम प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ऊपर में जो रुकावट रेंज है वो काफी ऊपर है, अराउंड 70 रुपीज पर देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 65 रुपीज इस पॉइंट पर आप एक स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 65 रुपीज स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल भी है। यहाँ पर स्टॉक काफी टाइम से इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, पर जब स्टॉक ने 65 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है तो वहां पर स्टॉक में एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिलता है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाते हैं तो 65 रुपीज का नीचे में स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 70 रुपीज। अगर स्टॉक 70 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो ऊपर के टारगेट अराउंड 80 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।